नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 64 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। और अंत में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 63 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था, यानी कि HW, उसका भी हम आपको जवाब बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे देता हूँ। आप लोग बढ़िया से दिवाली मनाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 64, जो कि आपके रेलवे NTPC और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल फ्रिक्शन से की जाती है? एक टाइफाइड की, दो यक्षमा की, तीन कैंसर की, चार एड्स की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, टाइफाइड की पहचान विडाल परीक्षण से की जाती है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? एक यकृत में, दो अमाशय में, तीन बड़ी आंत में, तीन चार छोटी आंत में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, छोटी आंत में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? एक विटामिन ए की, दो विटामिन बी की, तीन विटामिन सी की, चार विटामिन डी की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, विटामिन डी की प्रचुरता होती है दोस्तों मछलियों के जो यकृत यानी लीवर जो होती है उसके तेल में दोस्तों विटामिन डी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिट्टी के घड़े में निम्न में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? एक उर्ध्वपातन, दो वाष्पीकरण, तीन द्रवण, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, वाष्पीकरण के क्रिया के कारण दोस्तों, याद रखिए वाष्पीकरण के कारण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक एक कम होता है, दो बढ़ जाता है, तीन अपरिवर्तित रहता है, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, बढ़ जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा एक अधिक होती है, दो कम होती है, तीन बहुत कम होती है, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, अधिक होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अति प्राचीन चट्टानों के आयु निर्धारण में किसका उपयोग होता है? एक पोटेशियम आर्गन डेटिंग, दो रेडियो आयरन डेटिंग, तीन यूरेनियम डेटिंग, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, पोटेशियम आर्गन डेटिंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्रव्य प्रकृति पाई जाती है? एक मेसॉन, दो प्रोटोन, तीन न्यूट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, इलेक्ट्रॉन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? एक बहुलीकरण, दो वाष्पीकरण, तीन ऑक्सीकरण, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, ऑक्सीकरण। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? एक नौवे में, दो दसवें में, तीन ग्यारहवें में, चार बारहवें में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, दसवें मंडल में मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा दसवें मंडल में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। एक स्कैनर, दो CD-ROM, तीन मॉडेम, चार प्रिंटर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, मॉडेम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? एक आभूषण, दो मृत भांड, तीन बढ़ईगिरी, चार लुहार। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, लुहार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ये सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों इतिहास का, देखते हैं ऑप्शंस। एक 1526 में, दो 1527 में, तीन 1575 में, चार 1576 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, 1576 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व तो किसने किया था? एक बाल गंगाधर तिलक, दो चित्रंजन दास, तीन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? एक 22 भाग में, दो 555 भाग में, तीन 454 भाग में, चार 12 भाग में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, 22 भाग में विभाजित किया गया है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? एक अमेरिका, दो आयरलैंड, तीन कनाडा, चार जर्मनी। तो
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, जर्मनी की देन है दोस्तों। जर्मनी संविधान से लिया गया था राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? एक 1706 में, दो 1806 में, तीन 1906 में, चार 1899 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो 1806 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैनाफिना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुषंगी संस्था है? एक भारतीय स्टेट बैंक की, दो कैनरा बैंक की, तीन विजया बैंक की, चार देना बैंक की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो कैनरा बैंक की अनुषंगी संस्था है दोस्तों, याद रखिए कौन, कैनाफिना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रीनविच किस देश में है? एक यूएसए में, दो यूईए में, तीन यूके में, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन यूके में है दोस्तों, याद रखिएगा यूके में, यानी यूनाइटेड किंगडम में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत पदीय पठार है? एक ब्राजील का पठार, दो बोलिविया का पठार, तीन पेटागोनिया का पठार, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन पेटागोनिया का पठार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? एक सेंट लॉरेंस, दो अमेजन, तीन मिसौरी, चार जेम बेजी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार जेम बेजी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सख संबत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास होता है? एक माघ, दो चैत्र, तीन अश्विन, चार कार्तिक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो चैत्र महीना। सख संबत पर आधारित जो जो भी कैलेंडर होते हैं दोस्तों, वो प्रथम मास होता है चैत्र का, जो कि मार्च और अप्रैल के बीच में आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? एक राइट लिवलीहुड पुरस्कार, दो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, तीन पुलित्जर पुरस्कार, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक राइट लिवलीहुड पुरस्कार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन है? एक सचिंद्र सन्याल, दो गोपाल नेपाली, तीन अरुण गोविंद, चार विराट कोहली। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक सचिंद्र सन्याल। चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न, निम्न देशों में से कौन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? एक फ्रांस, दो इटली, तीन जापान, चार अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक फ्रांस। चलिए दोस्तों, जो हमने आपको सवाल दिया था प्रैक्टिस सेट 63 में, उसका देख लेते हैं प्रश्न क्या था। प्रश्न था दोस्तों, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार लाहौर को। लाहौर को जीतने के बाद दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। चलिए दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट 64 का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। एक प्रश्न आपके लिए क्या है, प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, एक है लक्षद्वीप, दो है अंडमान, तीन है दादर हवेली, चार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों, और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाए हो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। तो दोस्तों, कल दीपावली है जिसके कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि शोर शराबा बहुत होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जितने मैं इस प्रकार का वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।